हेलो दोस्तों, विधि किचन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा टमाटर का चटनी, जिसके लिए लिए हैं 3 एकदम लाल लाल टमाटर ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिए हैं, 4-5 मिर्ची ले लिए हैं, 1 लहसुन का ले लिए कलियां, और 1 प्याज ले लिए, थोड़ा सा अदरक ले लिए हैं। अब ये सभी चीज़ को सबसे पहले हम लोग बढ़िया से वॉश करके और कटिंग कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं सभी चीज़ को अच्छा से हम कटिंग कर लिए हैं। टमाटर को 4 पीस में कर लिए हैं, धनिया पत्ता को, प्याज, लहसुन, अदरक सभी को अच्छा तरीका से काट लिए। अब इधर हम एक कुकर चढ़ा लिए हैं और कुकर में हम ये सभी टमाटर को डाल देंगे और 2 सीटी लगने तक इसको पका लेंगे। गैस को ऑन कर दिए हैं, 2 सीटी आने तक हम लोग इसको पका लेंगे। अब पकाने के बाद फिर ये ठंडा हो जाएगा, तो इसमें हम सभी चीज़ों को मिला के और ऊपर से नमक और सरसों का तेल डाल के चटनी बना लेंगे। जो चटनी बनाएंगे आप लोग को आगे दिखाएंगे। अगर ये चटनी का रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और आगे का वीडियो देखें। और टमाटर में पानी नहीं देना है, बिना पानी का ही 2 सीटी में अच्छा तरीका से टमाटर पक जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं अपना टमाटर में 2 सीटी लग चुका है। अब हम लोग बंद कर लेंगे और कुकर का खुलने का इंतज़ार करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 3-4 सीटी लगा दीजिए और पानी डाल के कुकर को बंद कर सकते हैं। अगर आराम से करना है तो इसको अपना मन से खुलने दीजिए, 2 मिनट से 5 मिनट का बीच इंतज़ार करना पड़ेगा बस। देख सकते हैं कितना अच्छा टमाटर उबल गया है। अब इसका हम लोग इसी में से चुन चुन के छिलका इसे इस तरह से निकाल देंगे। ये कटा हुआ है सब सामग्री अपना इसमें डाल देंगे। और साथ ही डाल देंगे हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक। और एक मिलाने वाला है ये छोटा दही टाइप का, इसे आप मिला लीजिए। जैसे आप दाल मिलाते हैं, साग मिलाते हैं, उसी तरीका से मिला लीजिए। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगा, ठंडा में पूरी पराठा के साथ में बना के देखें। देख सकते हैं क्या ही लजीज दिख रहा है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ बूंद सरसों का तेल डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस इसको एक बार चम्मच के सहारा मिला के दिखाते हैं। ऐसे मिला दीजिए और गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। रोटी, पराठा, पूरी, आलू पूरी, लिट्टी सभी के साथ में अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर बना के देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।